नमस्कार दोस्तों, पूनम की झटपट रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को नींबू का खट्टा अचार बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने 10 बड़े साइज का नींबू लिया है और इसे अच्छे से धोकर और सुखा लिया है, और नींबू में पानी का अंश बिल्कुल भी नहीं है, इसे अच्छे से पोंछ लिया है। तो चलिए मसालों की ओर बढ़ते हैं। इसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है, 2 टेबल स्पून सरसों, पीला सरसों लिया है मैंने, आप चाहे तो काला सरसों का भी प्रयोग कर सकती हैं। हल्दी 1 टेबल स्पून, सरसों का तेल आधा कप, काला नमक 1 टेबल स्पून, सादा नमक 2 टेबल स्पून। तो चलिए नींबू का अचार बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें इन नींबूओं को टुकड़ों में काटना होगा। ये देखिए, मैं एक नींबू को 8 टुकड़ों में काटूंगी। ये देखिए, इस तरह से काटना है। इसी तरह से बाकी के नींबूओं को भी मैं काट लूंगी। ये देखिए, मैंने सभी नींबूओं को अच्छे तरीके से इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। तो चलिए अब इन नींबूओं में मसालों को डालते हैं। सबसे पहले इसे एक सूखे प्याले में इस तरह से नींबूओं को डालूंगी। सबसे पहले सादा नमक, काला नमक, हल्दी, सरसों और लाल मिर्च पाउडर। और अब मैं सरसों का तेल इसमें मिला दूंगी। बिल्कुल अच्छे तरीके से मिला लेना है, और इसे धूप में आप 2 से 3 दिन तक जरूर रखें। और मैंने इसमें जो सरसों का तेल डाला है, इसे गर्म कर कर ठंडा किया, उसके बाद मैंने अचार में इसे डाला है। आप चाहे तो तेल थोड़ा और भी डाल सकती हैं, मैंने आधा कप तेल डाला है, आप चाहे तो 1/4 कप भी तेल इसमें डाल सकती हैं। और 3 दिन धूप दिखाने के बाद इसे आप सूखे कांच के जार में अचार को रखें, और ये जो अचार है ये 1 साल तक बिल्कुल ही खराब नहीं होगा। इस अचार को आप पूरी, पराठा, रोटी, चावल, जिस किसी के साथ जी चाहे आप इसे खा सकती हैं। और ये अचार लगभग 1 महीना के अंदर खाने लायक हो जाता है। तो दोस्तों, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको ये कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।